हेलो, मेरा नाम आकांक्षा है। सो मैं आज तक बायजूज़ में काम करती थी, बट लेकिन आज मेरी पीटीएम थे, फिर उसके बाद एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था। वो 7:10 पे मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे निकाल दिया। 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजर ने कहा परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, बिहेवियर के बेस पे हुआ। एचआर ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें और इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तब आपको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। अगर आप इमीडिएट, अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपको निकाल दे तब आपको आज की डेट में निकाल दिया जाएगा, लेकिन सैलरी में 30 से 45 दिन टाइम लगेंगे। तो वो 30 से 45 दिन मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊँगी? मेरे घर पर कोई और नहीं है जो मैं काम कर सके। बायजू सर, आपने टाउन हॉल में बोला था, आज मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, सिर्फ मेरे पैसे दिलवा दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।